हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। नया दिन शुरू हो चुका है और हमने सब काम वाम कर लिया है, हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, नाश्ता भी हमने कर लिया है और अब टाइम हो रहा है लंच बनाने का। एक बजने वाला है तो हम सोच रहे हैं अब जल्दी से लंच बना लेते हैं। और लंच में पता नहीं, देखते हैं क्या बनाएंगे, या तो दाल चावल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। एक तो बच्चे ना खाते नहीं है खाना जल्दी से, तो अभी देखते हैं क्या बनाएंगे। तो बस मैं वही सब करने जा रही थी अभी, और कपड़े भी धुल गए थे हमारे, में सुखा के आ गए थे बस अभी थोड़ी देर में। और बस खाना बनाने की तैयारी करते हैं, हम देखते हैं क्या बनाते हैं। किचन में जाने के बाद ही पता चलेगा क्या बनाना है क्या नहीं। एक तो ना कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनाएंगे। दाल भी देख सकते हैं हम, क्योंकि कल मैंने छोले चावल बना दिए थे और आज दाल चावल बनाती हूँ शायद से, देखते हैं बच्चे खा लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ, तैयारी करती हूँ, फिर बताऊँगी मैं आपको क्या बना रहे हैं हम। ठीक है, सही भी है ना, पकी हुई तो नहीं है भिंडी। भिंडी भैया, भिंडी पकी हुई तो नहीं है। टमाटर कैसे दिया? और सब्जी वाला आ गया फ्रेंड, हम सब्जी ले रहे थे और ना धूप देखो कितनी ज्यादा हो रखी है। तो भैया क्या दिखा भी है? दिख तो रहा है ये ना। तो भैया भिंडी दे रहे हैं और पता नहीं पकी हुई तो नहीं लग रही, वैसे ठीक ही है फिलहाल तो, ठीक है अभी सीजन है ना। और क्या लेना, टमाटर वमाटर भी ले लेते हैं। बस यही भैया हैं जो इतनी दोपहर में आते हैं सब्जी देने के लिए, बेचारे ले कर आते हैं वो भी, तो अभी फिलहाल जो आ रखा है तो इसी से ले लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देखते हो कि हम इस बाल्टी में लटका लेते हैं सब्जी, और अभी भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये देखो बाल्टी हमने लटका दिया है यहाँ पे, वो भैया आएगा सब्जी दे देगा इसके अंदर। तो अभी भी हम ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स, जब हम बाहर नहीं जा पाते ना सब्जी लेने के लिए, तो हम ऐसे ही सब्जियाँ लेते हैं यहाँ से बाल्टी में। ये बाल्टी लटका दिया, ये देखो फ्रेंड्स सब्जी दे दी भैया ने, अब हम ले रहे हैं। देखो ऐसे लेते हैं हम, रोज का काम है हमारा ये, जब सब्जी नहीं होती ना तो हम यहीं से ले लेते हैं। नहीं गिरेगी, आराम आराम से ले ले। ये आ गई सब्जियाँ, खतरनाक शॉर्टकट में करते हैं हम काम, इतने नीचे कौन जाएगा फ्रेंड बार 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 भाग भाग के। ये ले लिया हमने सब्जी, अब बनाते हैं हम लंच की तैयारियां करते हैं, अब हम टाइम होने वाला बच्चों का अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही थी ये वाली माँ की दाल, माँ छोले की दाल बोलते हैं, मैं तो हम तो चने उड़द की दाल बोलते हैं इसको, तो मैं ये बना रही थी। और मैंने यहाँ पे पानी में इसको उबलने के लिए रख दिया है, इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के थोड़ी सी हींग डाल के मैंने इसको, मैं इसको सीटी लगवा लूँगी 3 से 4। और अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो मैंने तो फिलहाल हींग डाली है इसके अंदर नमक मिर्च के साथ साथ। तो बस मैं इसमें सीटी लगवा लूँगी और उसके बाद बताऊँगी मैं आपको ये कैसी बनेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर साथ में बन रहे हैं चावल भी, तो दाल चावल बनाऊँगी मैं आप जल्दी से, बनने वाले हैं सब। दाल तो मैंने चढ़ाई दी यहाँ पर, बस एक दो दो तीन सीटी लग जाएंगी इसमें, और फिर इसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और तड़का इसमें लहसुन वाला लगता है फ्रेंड्स, जो लहसुन होता है ना उसको काट के, और जीरा वगैरह सब डाल के, हींग भी अच्छे तरीके से डालनी पड़ती है इसमें दाल में, क्योंकि थोड़ी बादी वाली दाल होती है ना ये, तो बाए वादी वाली, तो इसलिए। तो बस अब चावल भी बस तड़का लग गया चावल में भी, और बस दाल चावल तो बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, फटाफट से बन जाता है। बस 10 मिनट हो गए मेरे को बस यही करते हुए, सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ रेडी होने वाला है बस। तो ठीक है फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं मैं आपको, बच्चे आ जाएंगे तब। फ्रेंड्स ये लग रहा है तड़का, और तड़के में मैंने लिया है यहाँ पे प्याज और लहसुन मैंने भून रही हूँ, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और टमाटर भी काट के रखे हुए हैं। तो इसका मसाला, छोटा सा मसाला भून रही हूँ, बिल्कुल लाइट कलर, लाइट एकदम, और फिर मैं वो दाल में डाल दूँगी। बस दाल भी हमारी बनी गई है, बस प्रेशर खोल दूँगी मैं अभी उसका थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं लगा लेती तड़का, और चावल भी हमारे बन रहे हैं इस साइड पे। फ्रेंड्स मैंने दाल में तड़का डाल दिया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है ये देखिए दाल। मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी, तो जिससे कि इसका और भी टेस्ट बढ़ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये बन गया हमारा खाना, और यहाँ पर हमारे चावल भी बन चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस अब इंतजार है बच्चों के आने का, तो मिलते हैं आपको फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स लक्की आ चुका है, और ना लक्की आते के साथ क्या कह रहा है मेरे को कि गन्ने का जूस वाला भी आया हुआ है ना, तो गन्ने का जूस लेगा ये अभी। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं भी पी लेती हूँ, मेरा भी मन कर रहा है, काफ़ी दिन से पिया नहीं ना, मैं भी ले लेती हूँ बस। इस टाइम तो रोज़ ही आ जाता है वैसे गन्ने के जूस वाला ना,
और तो मेरा भी मन कर गया पीने का ठंडा ठंडा सा कुछ, तो ले रहा है लक्की बना रहा भैया। ये ले रहा है लक्की बना दिया भैया ने। ऐसे वो जो जा रहा है ना बालों से बर्तन ले लो कह रहा है, बालों से जीरा ले लो, जो बाल होते हैं ना उनसे जीरा और बर्तन दे देता है वो। हमने तो कभी ट्राई नहीं करा यहाँ, लेकिन आसपास में ना कभी किसी ने यहाँ पे सामने पड़ोस में ट्राई करा था किसी ने, तो हमने तो कभी ट्राई नहीं करा। आप लोगों ने करा हो तो बताना कमेंट में, बालों से जीरा या फिर बालों से बर्तन। तो ऐसे तो काफ़ी आ जाते हैं ज़्यादातर लोग गलियों में ना। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम, शाम का मौसम हो चुका है, 6 बज गए और हवा बहुत ही बढ़िया चल रही है, अच्छा मौसम हो गया। हेलो गाइस, यहाँ पे देखो पानी का टैंकर आया है और कितनी बड़ी टंकी भर ली देखो आंटी ने। ये देखो यहाँ के लोग ना बहुत पानी को, पानी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा मरे जाते हैं। वैसे अगर पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा टंकियाँ भर लेते हैं एकदम से। देखो कितनी बड़ी टंकी भरी हुई है ना उन्होंने, और वैसे पानी आता भी है यहाँ पर सप्लाई का, फिर भी लोग भरते हैं। देखो कितना सारा पानी लग गया, हाथ हटाना बेटा। हाँ ये देखो कितना पानी भर रहे हैं देखो लोग, अब बच गया इनका पानी, फिर भी बच गया। देखो पानी आता है ना क्योंकि इसलिए बच गया पाइपों में, अभी आप पाइप लेके खड़े रहेंगे जब तक कि पूरा टैंकर खाली ना हो जाए। हम तो भरते ही नहीं है यहाँ से पानी बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो बाहर से बॉटल ले आते हैं और वही हम यूज़ करते हैं। और इन लोगों का तो पानी भर चुका है, अब ये ऐसे पाइप ले लेके खड़े हुए हैं देखो सारी की सारी लेडीज क्योंकि टैंकर में पानी अभी भी बचा हुआ है और इनका पानी भर गया। डेली पानी आता है, फिर भी इनको नीड रहती है पानी की, जिनकी ज़रूरत होती है ना उनको नहीं देते ये पानी, अपने आप ही भरे जाते हैं। कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं खाली कर करके, पता नहीं कहाँ कहाँ रख रख के आते हैं पानी को, कि जाने दे टैंकर को वापस, किसी और को ज़रूरत हो तो वो भर लेगा। देखो ज़रा ये देखो, चलो देखते हैं। इनका तो यही रहता है हमेशा हमेशा का काम है इनका, टैंकर पे से पानी भरने का। ऐसे कभी कभी आता है वैसे, तो अब तो खैर पहले की तरह नहीं आता, पहले तो हर दूसरे दिन आता था, जब बिल्कुल नहीं आता था ना पानी, जब हर दूसरे दिन आता था टैंकर तब ये भरा करते थे ऐसे। तो कोई बात नहीं, इनकी तो आदत है सब भरने की, ऐसे दूर दूर से आ जाती हैं लेडीज़ गलियों में से पानी भरने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं तो ऐसे खड़ी होकर देख रही थी, मैंने कहा बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे पानी की थोड़ी सी किल्लत हो जाती है ना, किल्लत तो नहीं है खैर, आता तो है पानी, पर वही है ना लोगों को आदत पड़ी हुई है ये सब करने की। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद हम। तो गाइस ये शाम की चाय हमारी बन चुकी है, अब हम चाय पी रहे हैं और लक्की कर रहा है स्कूल का काम अपना, आ गया था ट्यूशन से ये, और बस अब चाय बनाई है हमने, पूजा हो गई हमारी, 7 बज चुके हैं तो अब हम चाय पी रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कर लेते हैं हम चाय को एंजॉय, फिर मिलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स हमारा सारा काम वाम सब हो चुका है, डिनर हमारा हो चुका है और बस अब हम आ चुके हैं अपने रूम में, और बस फिलहाल मैं जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो अलमारी में रख देती हूँ। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय फ्रेंड्स।